जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यार मैं घर में आया हूँ, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और आज का सीन ये है कि मैं अपने घर आया हुआ था, तो फैमिली फंक्शन है एक, तो उसकी फर्दर अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो भी सीन होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज हमारी काकी के हकीके और फिर बकरा ज़िबा होने लगे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। टाइसन यहाँ पे बकरे को तकबीर पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दिखाता क्योंकि यूट्यूब की कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होती है कि आप ब्लड नहीं दिखा सकते। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि फैमिली गैदरिंग भी है, तो ग्राउंड वगैरह की हालत बहुत ख़राब है, तो इस वजह से ये सेटिंग वगैरह कर रहे हैं माली। मैं अब आपको ना शहद की मक्खियों का छत्ता दिखाता हूँ, ये लगा हुआ है, इनसे बचना पड़ेगा। आप लो फिर हमने यहाँ पे बकरे का भी ना स्लोमो बना छोड़ा है, बताओ चा सही है कि नहीं। बकरे को भी हमने अब ट्रेंडिंग में चलाना है। इसी के साथ अब स्लोमो को थोड़ा सा तेज़ करते हैं, फिर हमें ज़्यादा स्लोमो आपको दिखाऊँ, कहीं भाग ही ना जाना आप लोग। तो हमने ये नाई वगैरह बुलाए हुए थे, तो इन्होंने यहाँ पे खाना बनाना है, तो यहाँ पे सर्विंग इनकी होनी है। डेरे के लिए अलग है और फैमिली गैदरिंग के लिए अलग है। यहाँ पे भाईजान कज़न वगैरह आना शुरू हो गए हैं, तो मैं माशाल्लाह से अभी तैयार भी नहीं हुआ कि मैं उन्हीं कामों में उलझा हुआ था, तो अब जाके तैयार होते हैं फिर जल्दी से। यार यहाँ पे मसला ये हुआ कि मैंने कपड़ों का भी नहीं ध्यान रखा, तो यही पहनते हैं, बारशल अपने सेट करते हैं जल्दी से, क्योंकि बाहर काम भी बहुत है और मैं रेडी नहीं हूँ। बताओ आपको भाई पप्पू बचा बनाए या नहीं अभी तक? बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो लाजमी। यार ये अभी सेटिंग हो रही है, यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो रही है, और डेरे में है कि ना जो खाने का सिस्टम है तो वो वहाँ पे है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ लोगों के लिए वो बनाया है। हकीकत है तो गांव के लोगों के लिए हमने यहाँ पे न्याज भी बनाई थी, तो अभी फिर सर्विंग करते हैं इनको। आफ्टर 1.5 आवर लेटर देख लो जी, आराम सारी चलेगी, अब खत्म हो गया सीन। तो बाकी जो बड़ी आवाम थी, बाकी जो सीन वो वही हैं। अब इनसे पूछते हैं कि हमारी रोटी को कितने की देर है अभी। शफीक अहमद रोटी खोल दे। लो फिर रोटी खोल दी गई, तो यार सबसे बेस्ट मोमेंट यही होता है। तो बाकी अब हमला सभी ने बोल दिया इस पर, देखते हैं फिर अपनी भी बारी आएगी। इसी के साथ आपको मैं इस शख्सियत से आपको वाकिफ करवाता हूँ, ये मेरे चाचू का बेटा है, मेरा एज फेलो है, दोस्त भी है, बच्ची का हाथ इसने मारा है और ये बंदा ही मरा हुआ है, हमने इसे नहीं छेड़ना। ये है सबसे दो नंबर बंदा है, एंड पे पूछते कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, तो बाकी हमने अपने खाने पे कंसंट्रेट किया हुआ है। ये अपने मामू की बात ज़्यादा ही सीरियस ले गया, मसला ये आर्ट है और ये बंदा आर्टिस्ट है। मैं जान इसके साथ ही माशाल्लाह बोल देना, क्योंकि नहीं तो मेरी वाट लग जानी है घर से। और ये देखें बच्चे कितने प्यारे मासूमियत इनके चेहरों से टपक रही है। यार इसके बाद फैमिली गैदरिंग थी, मैं नहीं दिखा सकता आपको, बाकी इस बंदा रह गया था एंड पे हमने इसे भी याद रखा, अपना खाना खा रहे हैं। जी सलाम अलैकुम। तो यार थकावट बहुत हो चुकी हुई है, मसला ये है कि आज भतीजी की वो थी हकीके थे, तो डेरे में न्याज वगैरह चली है, उसके अलावा सीन था कि यहाँ पे आपको शायद पीछे नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे फैमिली गैदरिंग थी वो की है, तो कोई 12-1 बज गए हुए हैं, तो थकावट बहुत हो चुकी है ओबियसली, सीधी सी बात है। तो आपके लिए करते हैं भाईजान, आपके लिए व्लॉग्स बनाते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये व्लॉग्स को बनाना एक, अब फिर उसे एडिट करना सारा कुछ। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जिन भाइयों को क्वालिटी का मसला था वो अब तो 14 ले लिए हुए आपके भाई ने, तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है।
तो सपोर्ट माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू नेवर मिस अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो बाकी आपके लिए हम हाजिर हैं और ब्लॉग बनाते रहें। जो एंड पे लोगों ने हमें गिफ्ट्स दिए थे काकी को, वो तो हमने अनबॉक्स किए नहीं, तो सभी ने टेडी बियर्स दिए हुए थे, तो बस